नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है कि 5 अप्रैल के दिन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी सभी देशवासियों से कि सॉलिडैरिटी में जो लोग फ्रंटलाइन पे कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गई, पुलिस वाले हो गए, प्रशासनिक अमला हो गया जो डोर टू डोर डिलीवरी करते हैं वो लोग हो गए, मीडियाकर्मी हो गए, और इसी प्रकार बहुत से लोग जो मिलकर फार्मास्यूटिकल्स वाले हो गए, जो किसान हो गए या किराने वाले हो गए, तो जो भी एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग हैं, प्रशासन से जुड़े लोग हैं, उन लोगों के लिए आप दिए जलाएं, खुद के लिए आप दिए जलाएं एक सॉलिडैरिटी के लिए, और इस भावना को लेकर कि हम सब एक हैं और हम सब मिलकर इस वायरस का मुकाबला कर सकते हैं। और अभी मैं आपको बताऊँ तो नीचे कुछ माइक की आवाज़ आने लगी है। मैं मंडी शहर के एक हाइट पे खड़ा हूँ, टारना की पहाड़ी पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा शहर है। पटाखे की आवाज़ भी आ गई, हालांकि इस चीज़ के लिए मना किया गया था कि पटाखे वगैरह नहीं चलाएं और घरों में रहें, पर मुझे लगता है घरों वाला ऑर्डर तो इस बार पालन हो जाएगा। पिछली बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, 5 बजे लोग घर से बाहर निकले, कुछ लोग, सभी नहीं। तो चलिए आपको हम विजुअल्स दिखा दें किस तरीके का माहौल है और किस तरीके 9 बजे यहाँ पे सबने लाइट्स ऑफ की, टॉर्च जलाई, कैंडल्स जलाई। तो अब आपको वो विजुअल्स दिखाते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से सॉलिडैरिटी में दिए जलाए गए, हालांकि पटाखे भी फोड़े गए लोगों द्वारा, और अभी भी मेरे को कुछ आवाज़ें आ रही है और अभी भी दिए जले हुए हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा था जहां से हमने देखा, हालांकि कैमरे में किस तरीके से कैद हुआ है कुछ कह नहीं सकते, लेकिन चलिए वो देखा जाएगा फुटेज में। और ये था उन सभी लोगों के लिए जो फ्रंटलाइन में काम कर रहे हैं, डॉक्टर स्पेशली, हम भी, हमारी टीम, पूरी टीम जो है, चाहे जितने डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो सब्जी वाले हैं, किराने वाले हैं, और भी पैरामेडिकल स्टाफ हो गया हमारा, तो उन सभी को हम लोग भी अपनी तरफ से सैल्यूट करना चाहेंगे कि आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और इस मौके पर हम सब इसी तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो करते रहेंगे तो हम इस महामारी से बच सकते हैं। और जो भी गाइडलाइंस हैं उनको प्लीज़ फॉलो कीजिए। जब तक आपको घर में रहने को कहा गया कर्फ्यू है, तब तक घर में रहिए, बार बार हैंड वॉश कीजिए मुँह को टच करने से पहले। और इस वक्त मैं आपको बताऊँ, लगभग 9:30 का समय है, 9:45 का समय है, और चौहटा मार्केट है ये मंडी का, और ये इतना इस वक्त ये इस तरीके का नज़ारा यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है, और ऐसा नज़ारा यहाँ अमूमन नॉर्मल डेज़ में रात के 1 या 2 बजे देखने को मिलता है या 3 बजे देखने को मिलता है, जब इतनी यहाँ शांति होती है। बेंचेस यहाँ पे गिरा दिए गए हैं क्योंकि ताकि कोई बैठे ना, और ये तो बहुत पहले से हो गया, जिस दिन सभी स्कूल्स को बंद करने की एक नोटिफिकेशन आई थी तो उस वक्त से, तो आप देख सकते हैं कैसा माहौल हो गया है। हम जाते हैं, आप सभी सेफ रहें, टाइम टू टाइम जो भी गाइडलाइंस आ रही हैं सरकार की, स्वास्थ्य विभाग की, उनको फॉलो करें। आप लोगों को घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं है, सभी
प्रिकॉशन अगर आप लेंगे तो इस बीमारी से आप बचे रहेंगे। इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय हिमाचल।